क्या हाल चाल भाई लोग। तो जवान फिल्म के मेकर्स ट्रेलर से जो क्यूरियोसिटी और कंफ्यूजन अपने अंदर डालना चाहते थे उसमें वो कामयाब रहे। ट्रेलर देखने के बाद जितना ज्यादा फिल्म के बारे में हमें पता चलता है उतने ज्यादा सवाल भी खड़े हो गए हैं। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम सवालों के साथ मेरी बनाई हुई एक थ्योरी पर भी डिस्कस करेंगे जिसमें शायद तुम्हें मूवी की स्टोरी समझने में हेल्प मिलेगी। देखो ट्रेलर से स्टोरी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, और इसलिए जिस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत साबित हो सकती है। तो मेरे हिसाब से विक्रम राठौड़ अक्षय कुमार नहीं बे, अपने पापा SRK का नाम है विक्रम राठौड़। तो अपने विक्रम राठौड़ और अपने काली भैया एक डील के दौरान लड़ पड़ेंगे, क्योंकि अब शुरुआत में काली शायद ब्लैक में वेपन बेचने वाला एक मामूली डीलर है और उसे भी हर लालची विलन की तरह बड़ा बनना है। तो वो विक्रम से आर्मी के हथियारों की डील करने की कोशिश करेगा, लेकिन विक्रम राठौड़ साफ मना कर देगा। काली वही डील किसी और बड़े ऑफिसर के साथ करने की कोशिश भी करेगा, पर क्योंकि अपना विक्रम बहुत ईमानदार है तो यहाँ पर भी विक्रम उसके बीच में आएगा जरूर। तो काली विक्रम को एक मिशन के दौरान मारने की कोशिश करेगा जिसमें कि विक्रम का हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्रैश होता है और बहुत ज्यादा जख्मी हालत में इन गांव वालों को मिलता है। और जैसा कि हमने ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में कहा था, ये गांव वाले आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से विक्रम का इलाज करने की कोशिश करती है, और क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ही बुरी तरह से इंजर्ड होती है तो उसे ये मम्मी वाला गेटअप दिया जाता है और वो कई सालों तक यहाँ पर कोमा में रहेगा। क्योंकि भाई पिक्चर को आगे भी तो बढ़ना है ना, यानी कि प्रेजेंट तक आगे तो आना पड़ेगा ना। जब तक कि ये लोग इस गांव पर हमला ना बोल दे तब तक विक्रम को होश नहीं आने वाला है, और जब ये लोग इस गांव पर हमला बोलेंगे तब विक्रम को अचानक से होश आ जाएगा और वो गांव वालों को इन गुंडों से बचाएगा। लेकिन ये सब होने से पहले अपने हीरो की एक हैप्पी मैरिड लाइफ भी होती है दीपिका के साथ। जाहिर सी बात है कि काली दीपिका को भी जेल में डाल देता है और विक्रम के बेटे को जन्म देते ही उसकी मौत हो जाती है, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि ट्रेलर में तुम देख सकते हो कि बड़ा होने के बाद निधि डोगरा को आजाद की माँ दिखाया गया है, यानी कि दीपिका के कैरेक्टर का दुनिया से पैकअप हो चुका है और आजाद यानी बेटे SRK को निधि डोगरा का कैरेक्टर पालेगा। वो बड़ा बन के SCP भी बनता है और नयनतारा से प्यार मोहब्बत की बातें भी करता है। लेकिन अब यहाँ स्टोरी में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि ये गंजा जिसका नाम कैप्टन है ये आ जाता है, और ये बाप है या बेटा? आई डोंट नो। वैसे ये लगता तो बाप है पर इसके बेटा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लड़कियाँ इसके साथ है। सेम यही लड़कियाँ जब आजाद पुलिस बनता है तो उसके साथ होती है, गाने में भी उसके साथ ही होती है, और जेल में इसका आना जाना तो लगा रहता ही है। तो जेल में भी इन लड़कियों के साथ तुम आजाद को देख सकती है, और अगर तुम देखोगे तो विक्रम राठौड़ से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वैसे हो भी सकता है क्योंकि इनकी बीवी भी इसी जेल में थी, पर चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन फिर यहाँ चल रही न्यूज में इस टकले को विक्रम राठौड़ क्यों कहा जा रहा है, इस सवाल का जवाब भी मेरे पास है। वीडियो आगे देखते रहो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो इस सीन में काली का ड्रीम प्रोजेक्ट केमिकल फैक्ट्री है, और इस सीन में भी तुम देख सकते हो कि सानिया मल्होत्रा के आसपास अस्पताल में बच्चे मरे पड़े हैं और वो रो रही है। ये बच्चा भी उसी तरह से तड़प कर मर रहा है, और जिस तरह से ये तड़प रहा है मुझे लगता है कि ये काली का ही करिश्मा है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब क्योंकि वो इतना बड़ा आदमी बन चुका है तो उसने सरकार की मदद से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया होगा, जो शायद सारे इंडिया में अपनी केमिकल फैक्ट्रीज खोलना है, और उसे केमिकल की वजह से ये बच्चे मरे होंगे। ये सब देखकर आजाद को बहुत तकलीफ होती होगी, पर वो कानून के दायरे में रहकर काली का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसने कोशिश तो की होगी, लेकिन क्योंकि कानून काली के हाथों की कठपुतली है इसलिए आजाद उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा होगा। और इसीलिए अब आजाद इन 6 लड़कियों को लेकर ऐसी एक टीम बनाता है, और ये लड़कियां इसलिए मान जाती है क्योंकि पहला पॉइंट तो ये है कि आजाद से इनकी अच्छी खासी दोस्ती है, और दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरह से सानिया मल्होत्रा रो रही है शायद इन लड़कियों का इन बच्चों से पर्सनल नाता है। तो फिर ये सब मिलकर काली को बर्बाद करने वाले अपने मिशन पर लग जाते हैं, और ये सब करने के लिए वो अपने बाप विक्रम राठौड़ का नाम यूज करता है ऑब्वियसली, ताकि उस पर किसी को शक ना हो। इसलिए सबको यही लगता है कि ये सब विक्रम राठौड़ कर रहा है। ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि लोग उसे हीरो मान रहे हैं, यानी कि वो काली की पूरी बजा के लोगों का भला कर रहा है, और ये सब करने के लिए उसे ट्रेन हाईजैक करने जैसी चीजें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि काली बहुत ज्यादा पावरफुल है और शायद उसे गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेलर में जो काली के लोग मरे हैं उन्हें आजाद ने नहीं मारा है बल्कि विक्रम राठौड़ ने मारा है, क्योंकि वो काली से बस अपना बदला लेना चाहता है। इसलिए वो एक एक करके काली के अपनों को मारेगा और उसके बाद काली का नंबर आएगा। लेकिन जो आजाद है उसे काली से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, क्योंकि शायद उसे पता ही नहीं है कि उसके माँ बाप के साथ जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार काली है, और इसलिए आजाद बस भेष बदल के लोगों को उसके पाप से मुक्त कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बाद काली तो चुपचाप बैठने वाला है नहीं, तो वो आजाद को पकड़ लेगा और उसे बचाने विक्रम राठौड़ सामने आएगा, और तब आएगा उस आइकॉनिक बाप बेटी वाले डायलॉग का समय। वैसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि विक्रम राठौड़ जवान के क्लाइमैक्स में मर जाएगा। खैर इसको लेकर तुमको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना।
करना। और हाँ, मैं एक बार फिर से कह दूं कि ये सिर्फ एक थ्योरी है जो कि पूरी तरह से गलत भी हो सकती है, क्योंकि अब भी ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अपने को नहीं मिले, जैसे कि अधेड़ उम्र के काली के हाथ में ये बच्चा कौन है और वो किसे देख रहा है, क्या वाकई में ये टकला कैप्टन आजाद है या फिर जवान में एसआरके का ट्रिपल रोल है, और ये टकला कैप्टन जो है वो बिल्कुल ही एक अलग कैरेक्टर है, क्योंकि अगर आजाद ने गंजा बनने का गेटअप लिया है तो ये टैटू किस लिए, मतलब जरा अजीब नहीं लग रहा है तुम्हें कि एक तो इंसान टकला बनने का गेटअप लेगा और उस टकली वाले मेकअप पे एक टैटू बनवाएगा, क्यों? तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में हमने जवान की ट्रेलर को पूरा निचोड़ के एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाया है जिसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो तुम्हें जाननी चाहिए। अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।